प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए गेहूं में खरपतवार का प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। रासायनिक खेती करने वाले किसान तो गेहूं में खरपतवार नाशक पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए गेहूं की खरपतवार सिरदर्द बन जाती है। इसी कारण गेहूं की पैदावार भी कम होती है। लेकिन यदि आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र द्वारा अपनाई गई इस पद्धति से गेहूं की बिजाई करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में खरपतवार आएगी ही नहीं और गेहूं की पैदावार भी रासायनिक खेती के बराबर होगी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र अपने 180 एकड़ के फार्म में जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करता है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र की इस पद्धति को जानने के लिए फिल्म पूरी जरूर देखें, ताकि अगली बार आप भी ऐसे ही बिजाई कर गेहूं में खरपतवार का प्रबंधन अच्छे से कर सकें और गेहूं की भरपूर पैदावार ले सकें। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आमतौर पे जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है गेहूँ में। लेकिन हमने इस बार उसका भी एक एक्सपेरिमेंट किया है, निदान निकालने की कोशिश की है। तो 2 एकड़ खेत में हमारे पास गन्ना था और ये गेहूँ हमने 20 नवंबर के आसपास इसकी बिजाई की है। खेत को तैयार करके ऐसी छिट्टा विधि से सीधी गेहूं की बिजाई की, साथ में 4 क्विंटल घन जीवामृत सूखा गेहूं के साथ इसमें छिड़क दिया और इसके बाद जिस मशीन से आलू लगाते हैं उससे ही खेत में चूरे निकाल दी। पूरा बीज चूरों के अंदर आ गया और अब आप खेत में देखिए कहीं भी कोई खरपतवार नहीं है, कोई कहीं गेहूँ पीली नहीं है तो, और पानी की भी कम बचत है। आलू की तरह है, 1 घंटे में 1.25 घंटे में एक खेत पूरा भर जाता है और पानी नालियों में रहेगा और गेहूं चूरों के ऊपर होगी। तो इसमें मुझे लग रहा है कि 20-22 क्विंटल के आसपास गेहूं इस बार निकलने की उम्मीद हमें है और किसी तरह का कोई खरपतवार इसमें दिखाई अभी तक तो नहीं दे रहा है और होगा भी नहीं आगे। और इसमें 2 हमने जीवामृत के स्प्रे किए हैं, अभी 1-2 स्प्रे और करेंगे इसके ऊपर और लास्ट में एक खट्टी लस्सी का स्प्रे होगा और इसमें कहीं भी खरपतवार की कोई समस्या नहीं होगी और अच्छी पैदावार भी इसमें होने की उम्मीद है। जो केमिकल की खेती है, जैसे हम पहले दिन 21 दिन के बाद गेहूं की बिजाई के बाद पहला पानी लगाते हैं, उसमें शिकायत रहती है कि सारी गेहूं पीली हो जाती है। यदि बरसात पड़ गई तो बहुत ज़्यादा पीली काफ़ी दिन के बाद जा कर के ठीक होती है, तो उसमें फिर केमिकल की विधि में तो यूरिया डालना पड़ेगा, तब जा कर के वो धीरे धीरे ठीक होगी। लेकिन इसमें वो समस्या से भी निजात मिल जाएगा, जब हमारी चूरों के ऊपर गेहूं होगी, कितनी बरसात हो जाए पानी थोड़ा होगा, मिट्टी सूखी होगी, सारे पानी को अपने आप सोख लेगी और गेहूं की जो जड़ें हैं वो नीचे अपने आप ग्रोथ करती रहेंगी, तो कोई भी पौधा पीला इसमें नहीं होगा। हमें इसमें 3 वर्ष से गन्ना था और गन्ने में तो जो पत्तियां हैं वो हमने आग नहीं लगाई, वो भी मिट्टी में मिक्स की और सारी मिट्टी में मिक्स करके प्लेवा करके जीवामृत 200 लीटर के एक ड्रम डाल के इसमें जीवामृत का, उसके बाद इसमें गेहूं की बिजाई की। इसमें किसी भी तत्व की अब कमी नहीं है, नहीं तो पीलीपन पे नज़र आती है, कहीं छोटी बड़ी गेहूँ हो जाती है तो सारी एक सरी है, कहीं पीली नहीं है। तो इसमें फसल को देख के कल साइंटिस्ट आए थे, लग रहा था इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है किसी तत्व। हाँ, इसमें 3 वर्ष तक तो हमने गन्ने की जो पत्तियाँ हैं वो सारी के सारी इसमें ही मिक्स की है मिट्टी के अंदर। केंचुआ इसमें खूब भरपूर मात्रा में था और नाइट्रोजन की मात्रा तो ऑटोमेटिकली इसमें खूब मात्रा में रही है। जब 3 वर्ष तक गन्ना रहा है, पत्तियाँ इसमें रही हैं, खरपतवार अभी कोई भी नहीं है, नहीं तो खरपतवार भी हमारी नाइट्रोजन को साथ साथ खाता रहता है। तो जितनी भी नाइट्रोजन है सारी फसल को गेहूँ को मिल रही है, खरपतवार इसमें कोई नहीं है जो नाइट्रोजन को साथ साथ खाता रहता है। यदि इसमें हम फसल चक्र अपनाएं, एक प्राकृतिक तौर से तरीका है कि गन्ना गेहूं और धान दोनों के खरपतवार को गन्ना नष्ट करता है, 2-3 साल तक बिल्कुल कोई खरपतवार नहीं होता, कोई मुडूसी नहीं आएगी किसी तरह की, जो किसानों के सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, वो अपने आप नियंत्रण है। और धान इसके गन्ने के जो खरपतवार आते हैं गन्ने के अंदर, वो गेहूँ और जीरी 2 वर्ष तक वो होंगे, वो उसके ख़त्म कर देंगे। तो दवाइयों का सवाल ही नहीं उठता कि किसी दवाई की केमिकल की हमें स्प्रे करनी पड़ेगी, तो किसान की इनकम भी बढ़ेगी, इन सब से छुटकारा भी मिलेगा उसको। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।